हर इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? अधूरी इच्छा करने वाले की कभी इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती। तो अभी तक हम जैसे भी समझे हैं, हम सब सुखी होने के लिए इच्छा करते हैं, और सुखी होना का स्वरूप यदि हमको अधूरा समझ में आया है तो अधूरी इच्छा, तो अधूरी इच्छा यदि पूरी हो जाए तो भी अधूरे, और अधूरी इच्छा पूरी नहीं भी हो तो भी अधूरे। तो इच्छा अपने आप में पूरी इच्छा अगर हम कर पाएँ कि एक्चुअली क्या है सच्चाई, अगर सच्चाई को समझेंगे तो पूरी इच्छा करेंगे। पूरी इच्छा करने के बाद उसका पूरा होना पहले तय हो गया है, क्योंकि इच्छा अपने आप में पूरी हो गई। पूरी होने से संतुष्ट हो गई, संतुष्ट होने के बाद सुखी हो गए, सुखी होकर अब काम करेंगे तो हो जाता है। हर वो आदमी जो सुखी होकर काम करता है वो सफल होता है, हर वो आदमी जो सुखी होने के लिए काम करता है वो सफल होता ही नहीं कभी। तो अधूरी इच्छा से अधूरा कार्यक्रम, और सुखी होने के लिए काम करते हैं वो कभी पूरा पड़ता नहीं है। पूरी इच्छा से सुखी होना, फिर पूरा कार्यक्रम, फिर वो सफल होता है। तो हम लोग अभी तक जो है वो पैसे से और भगवान से सुखी होने के लिए सोचें, या अधूरी इच्छा है, इसीलिए ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई, और पूरी हो भी जाएगी तो अधूरी रहेगी। तो कुल मिलाकर मनुष्य की शिक्षा ठीक से हो जाए तो वो पूरी इच्छा करने लायक हो जाता है, और पूरी इच्छा करेगा तो पूरी पहले हो गई, उसके बाद में कार्यक्रम पूरा बनेगा तो सफल ही होगा।